अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम भक्तों की मुरादें तो पूरी हो गई, वहीं हजारों कारोबारियों को इससे संजीवनी मिल गई है। इस रामकाज ने सर्दी में मंद पड़े कारोबार को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अयोध्या में राम उत्सव ने ई कॉमर्स के दबाव से मंदी की मार झेल रहे खुदरा व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। पूजा सामग्री से खुदरा कारोबारी, ज्वेलरी से जुड़े कारोबारी और हैंडमेड पोशाक से जुड़े कारोबारियों के पास इतने ऑर्डर मिले हैं जितने उन्हें पूरे साल में नहीं मिले थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर के निर्माण से इकोनॉमी को भी बूस्टर डोज मिलने वाली है। इससे सबसे बड़ा फायदा नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों को होगा, क्योंकि अब अयोध्या में नौकरियों की भरमार होने वाली है। सबसे ज्यादा नौकरियां टूरिज्म, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मिलेगी। दरअसल अब अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लोगों का आना जाना बड़े स्तर पर होना शुरू हो जाएगा। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। ऐसे में इन तीन सेक्टर में आने वाली डिमांड को पूरा करने के लिए कई लोगों की जरूरत होगी। जानकारों के मुताबिक आने वाले कुछ बरस अयोध्या का स्वर्णिम काल साबित होंगे। होटल कर्मचारी, शेफ, सर्वर्स, ड्राइवर जैसे पदों पर कम से कम 10,000 लोगों की नियुक्ति होगी। हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स, लॉजिस्टिक मैनेजर्स, होटल रेस्टोरेंट कर्मचारियों के लिए भी नई नौकरियां आएंगी। जानकारों के मुताबिक पहले ही लोगों की आवाजाही से यहां पर इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। नई नौकरियों पर लोगों के आने से यहां पर खपत और डिमांड में इजाफा होगा, जिससे लोकल इकोनॉमी को बड़ी मदद मिलेगी। ऐसी हर अपडेट के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।